हेलो फ्रेंड्स, इंडियाज फ्लेवर किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मार्केट जैसी करारी और खस्ता मठरियाँ। मठरी का आटा गूंदने के लिए सबसे पहले लेते हैं मैदा। मैं यहाँ ले रही हूँ 1 किलो मैदा। अब मैं इसमें डालूँगी सूजी। सूजी मैंने लगभग 1 बाउल डाली है। 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी अजवाइन, डालडा। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें अपनी मैदा को इस तरह से अच्छे से मसल मसल कर मिक्स कर लेना है। और हमारी मैदा में ऑयल एकदम परफेक्ट है। इस तरीके से देखिए, ऐसे बाइंडिंग होनी चाहिए। अब हम इसे गुनगुने पानी से गूंदेंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और इसका टाइट डो गूंदें। ये देखिए, हमारा आटा तैयार है। और हमें आटा गूंदते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आटे को ज़्यादा मसलना नहीं है, बस उसकी बाइंडिंग हो जाए। और इसको अब 10 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। हमारे आटे को 10 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा और गूंद लेंगे। मैंने यहाँ गूंदते समय डालडे का यूज़ किया है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे डालडा इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ऐसा करने से हमारी मठरियाँ बहुत ही खस्ता बनती हैं, बिल्कुल एकदम मार्केट की तरह। अब हम थोड़ा सा आटा लेते हैं और अब हम इसे बेल लेते हैं। हम इनको काटते हैं। हम मठरियाँ सेकने के लिए रिफाइंड ऑयल यूज़ करेंगे और आटा गूंदते समय डालडे का। अब हम अपने तेल को चेक करते हैं। हमारा तेल भी गर्म हो गया है। अब हम इसमें मठरियों को तलेंगे। मठरियाँ सेकते समय हमें तेल ज़्यादा गर्म नहीं करना है और इसे लो फ्लेम पर ही धीमे धीमे सेकना है। हमारी मठरियाँ सेक चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इंडियाज़ फ्लेवर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।